नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और अभी इलाहाबाद में है। ये वही इलाहाबाद है जिसको अभी प्रयागराज बुलाया जाता है। योगी जी ने आने के बाद बहुत सारे नाम चेंज किए, उसमें एक किसका भी नाम है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद हुआ करता था और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की ये यहाँ पे हाईकोर्ट है, यानी कि ये समझ लीजिए राजधानी है, न्यायालय की राजधानी। और जब कोई समस्या आ जाती है किसी को तो फिर वो इलाहाबाद की तरफ दौड़ता है कि शायद वहाँ से जमानत हो जाए। अभी इलाहाबाद क्या चाहता है, इलाहाबाद की जनता क्या चाहती है, प्रयागराज की जनता क्या चाहती है, क्योंकि चुनाव यहाँ 5वें चरण में होना है, 27 तारीख को होना है। और उत्तर प्रदेश में अब तक 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में कहीं ना कहीं गठबंधन को मजबूत दिखाया जा रहा है, दूसरे चरण में भी यही हुआ और तीसरे चरण में भी यही हुआ, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने जब से अखिलेश यादव से हाथ मिला है तब से गठबंधन जो है मजबूत होता जा रहा है। और अब जब गठबंधन हो चुका है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, उसके बाद देश के जो गृहमंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं, ये एक मॉल है, यहाँ पे PVR है, तो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं समय खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, बड़ा पाव है, बर्गर है। हालांकि हम बहुत सारी जगह जा चुके हैं लेकिन भीड़ इसी जगह मिलती है जहाँ लोग इकट्ठा हों, हम वहीं जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। और बात करने के लिए अभी चलते हैं इन भाई साहब के पास। भाई साहब क्या नाम है? विजय सोनी। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ 5वें चरण में चुनाव होना है 27 तारीख को, किन मुद्दों पर अब की बार वोट डाला जाएगा? बेरोजगारी। और क्या मुद्दा है? बेरोजगारी और बाकी तो सही है। अच्छा, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है? नहीं, उसको लेकर ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, बाकी तो जैसी महंगाई वैसी इनकम भी बढ़ी है। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में? मोदी, योगी। अच्छा, अखिलेश से खुश नहीं है आप? खुश नहीं, जो सरकार है सही चल रहा है तो कोई बदलाव का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार जो है योगी जी को मठ में भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं, तुमको आना चाहिए फिर से योगी जी। जी। और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो ये ऐसा माहौल चल रहा है उसमें बेरोजगारी का कोई सवाल ही नहीं है। अब दोबारा चांस मिलेगा तो बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा। अब की बार लगता है अब की बार अखिलेश यादव को नहीं आएंगे तो योगी जी ध्यान देंगे? जी, उनको लगता है अब की बार ध्यान देंगे। अच्छा, किसानों के लिए कहते हैं, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही है, किसानों ने जो धरना दिया वो सही था? सही था। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने? अब की बार चाहते हैं योगी फिर से आए। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ही आएंगे। पक्का? पक्का। क्या लगता है, क्या कारण है योगी जी के आने का? उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया तो आना ही है उन्हीं को। क्या अच्छा काम किया? रोड चौड़ीकरण और भी बहुत सी सेवाएँ सरकारी जो आराम से मिली है सभी को। अच्छा, आपको लगता है अखिलेश यादव नहीं आने वाले? ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन दोनों में। अच्छा। दोनों लोग में कोई भी आ सकता है लेकिन योगी के ज़्यादा चांस है। अच्छा, योगी जी के ज़्यादा चांस हैं। हाँ जी, भाई साहब क्या कहेंगे? अखिलेश आ गएंगे आने वाले दिनों। हाँ, पक्का? क्या लग रहा है अब की बार? टाइम आ रहा है पता चलेगा। अखिलेश मजबूत है? मजबूत तो ही है। ये कह रहे हैं योगी जी मजबूत हैं। अब वो अपनी जगह बोल रहे हैं, हम अपनी जगह बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। खाली मोहम्मद? तो मुस्लिम होकर नाराज़ तो नहीं है योगी जी से? नहीं, नाराज़ कह रहे हैं और हम नाराज़ किसी से नहीं है, लगता ऐसा ही रहा है। अच्छा चलो, बातचीत करने के लिए अभी चलते हैं दूसरी जगह। जी चाचा जी, कैसा लग रहा है चुनाव की बार? चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अच्छा, योगी जी घूम रहे हैं चारों तरफ और 5वें चरण में आज चुनाव होना है, तो क्या कारण है? पूरा टीम लगा दी है, अमित शाह जी भी प्रचार के लिए आ रहे हैं। देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व आता है चुनाव में प्रचार के लिए आता है, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, कौशाम्बी का क्या रहेगा?
कौशाम्बी की तीन की तीनों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अबकी बार मठ में भेज देंगे बाबा जी को। ये तो हंसी वाली बात है। अभी 27 तारीख को यहाँ वोटिंग है हमारे यहाँ, यहाँ भी है, कौशाम्बी में है और भी जिलों में है। ये तीसरे चरण का, चौथे चरण का हो जाए, पाँचवें चरण का हो जाएगा, उसके बाद फिर देखिएगा आप। अभी तो आंधी चल रही योगी जी की। अच्छा, धड़ाधड़ दबा के चारों तरफ जनसभाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव भी जनसभाएं कर रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी जी आई थी, वो कह रही कि भीड़ कम है, और एक तरफ योगी अखिलेश जी कह रहे हैं कि भीड़, हमारी भीड़ देखिए आप। देखिए भीड़ तो जनसभाओं का जो है प्रचलन है, भीड़ तो होनी चाहिए, और भीड़ वोट करेगी कि नहीं करेगी ये भी तो है। पूरी जनता मन बना चुकी है, और इस बार 10 मार्च को अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी 300 पार की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो पहले योगी जी अयोध्या से लड़ने वाले थे, अब दोबारा गोरखपुर आ गए हैं, उसका क्या कारण है? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व जहाँ से लड़ाता है, हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, संगठन जहाँ से कहेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी कौशाम्बी के सिराथू सीट से लड़ रहे हैं। पल्लवी जी का क्या रहेगा? पल्लवी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है, और डिप्टी सीएम साहब 1 लाख से ज़्यादा मतों से वहाँ पे जीतने जा रहे हैं। अच्छा, वो छोड़ के आई अभी यादव जी के परिवार से, एक यादव परिवार की बहू, उसका क्या कारण है? अभी ये तो उनकी परिवार की का मामला है, अब परिवार छोड़ के काहे कौन जाता है, सब मान सम्मान की बात है, उसमें क्या है। सोशल मीडिया पे चली हुई है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है समाजवादी पार्टी में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से महिलाएं जो है खुद को सुरक्षित समझ रही हैं, क्या ये कारण है? देखिए महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 से आई है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाइए, चुनाव में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, वोट डाल कर जो महिलाएं निकल रही हैं वो कह रहे हैं कि हमको योगी बाबा को लाना बहुत ज़रूरी है, 2022 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं का निकलना, लोग निकल नहीं पाती थी घर से, बच्चियां जो है स्कूल नहीं जा पाती थी, गुंडई का वो राज था। योगी बाबा ने जो बुलडोजर चलाया है ना, 10 मार्च तक अभी रिपेयरिंग हो रहा है, 10 मार्च के बाद फिर चलेगा, दोबारा से फिर बुलडोजर चलेगा। आप बयान सुनिए ना, मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये तो योगी जी बोल रहे हैं, और योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक विधायक हैं मेरठ से, मेरठ की सरधना सीट से, वो कह रहे हैं 75% को ठोक दिया गुंडों को, और 25 को बके, जो 25 बचे हुए हैं अब की बार ठोक देंगे। देखिए बात ठोकने की नहीं है, बात है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके लिए सरकार को जो करना पड़ेगा वो करेगा, और अराजक तत्व तो इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गुंडाई चलेगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गुंडाई चलने नहीं। अच्छा, पहले यहाँ जो प्रयागराज है इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उसके पीछे क्या कारण है नाम बदलने का? आप अगर इतिहास में जाएंगे, हमारे प्राचीन काल से जो है प्रयाग है, इसको तो मुगलों ने बदल के इलाहाबाद कर दिया, प्रयागराज को अपना जो है पुरानी अस्मिता जो है वापस मिली। प्रयागराज के निवासी होने के नाते मुझे बड़ा गर्व है कि जो हमारे प्राचीन समय में प्रयागराज का नाम था वही नाम प्रयागराज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली जो 27 तारीख है, यहाँ चुनाव होना है, पांचवें चरण में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 3 चरणों में हो चुका है, चौथे चरण में यहाँ से दूर वो जो ज़िले हैं वहाँ है, पांचवें चरण में इलाहाबाद जो प्रयागराज है यहाँ पे चुनाव होना है, 7 चरणों में कुल चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं विकास, बेरोजगारी और महंगाई, ये भी मुद्दा रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।